दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी ब्रीड के बारे में बताना चाहते हैं जो एक अपनी बहुत बड़ी विशेषता रखती है। तो दोस्तों, साधारण रूप से डॉग के भौंकने की आवाज़ इंसान को नहीं सुहाती है, लेकिन एक ऐसी डॉग ब्रीड है जिसकी आवाज़ बहुत ही सुरीली होती है और सुरीली आवाज़ में ही वो भौंकता है। इसे बीग कहते हैं। और आपको बता दूं कि बीग का अर्थ होता है कि जिसे बड़े शिकारी अपनी कोट की जेब में भी रख सकें। एक ऐसी ब्रीड, ऐसी छोटी ब्रीड और बेहतरीन शिकारी डॉग जो लंबे समय तक बिना थके शिकार कर सकता है, और इसका नाम है बीगल डॉग ब्रीड, यानी बीगल डॉग्स। तो दोस्तों, इसके पीठ पर ब्लैक रंग, नीचे सफ़ेद रंग और अन्य भागों में भूरा लाल रंग होता है। बड़े आकार की ब्रीड है ये। अपनी चचेरी ब्रीड फॉक्स हाउंड की तरह ही यह गठीली, मजबूत और इंटेलिजेंट ब्रीड है। इसका इतिहास काफ़ी लंबा और गौरवशाली रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि बीगल का ओरिजिन ग्रीस में हुआ, क्योंकि डॉग्स के द्वारा ग्रुप में शिकार की प्रथा ग्रीस में 500 वर्ष से पहले चली आ रही है। इसके बाद फ्रांस में भी इसे खरगोशों के शिकार के लिए काम में लिया जाने लगा, और बाद में इसको ब्रिटेन ले जाया गया। तो दोस्तों, 200 सालों में ब्रीडर्स ने बड़े और छोटे आकार की दो तरह के बीगल डॉग्स का विकास किया है। यदि बीगल को फॉक्स हाउंड का ठेंगना रूप कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है। एक साधारण डॉग के भौंकने की आवाज़ जो इंसान को अच्छी नहीं लगती, बल्कि बीगल डॉग की बहुत ही सुरीली आवाज़ होती है। और यह इतना छोटा होता है कि मानते हैं कि इसको शिकारी भी अपनी जेब में रख सकता है। इसे पॉकेट बीगल भी कहा गया है। खरगोश के शिकार के लिए तो इसका कोई मुकाबला नहीं। ऐसा माना गया है कि घोड़े पर सवार शिकारी घोड़े की काठी की बास्केट में लगभग 1 दर्जन बीगल डॉग रख सकता है। घोड़े पर सवार और पैदल व्यक्ति के साथ दोनों में बीगल को शिकार के लिए काम में लिया जाता था। इसका छोटा आकार ही इसका दुश्मन बन गया था। वैसे विदेशों में लेबोरेटरीज में मेडिकल रिसर्च के लिए छोटे आकार के कारण इस डॉग्स को बहुत अधिक प्रयोग में लिया जाता है। तो दोस्तों, बेसेट हाउंड, बीगल टेरियर और फॉक्स हाउंड जैसी बढ़िया शिकारी नस्लें होने के बाद भी फ्रांस में क्रॉस ब्रीडिंग से बीगल टेरियर नाम की 5वीं ब्रीड विकसित की गई, जिसमें बीगल की तेज सूंघने की क्षमता और टेरियर का हवा के माफिक तेज दौड़ने का गुण दोनों को समाविष्ट कर लिया गया। आज दुनिया के कई भागों में यह एक बढ़िया फैमिली डॉग के रूप में बीगल डॉग पाया जाता है। परिवार में यह खुश मिजाज और फ्रेंडली व्यवहार करता है, लेकिन दोस्तों यह एक मनमौजी डॉग भी है, इसलिए इसको वफादारी के लिए ट्रेनिंग दिया जाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा रोजाना इसकी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। यह दोस्तों अकेला नहीं रह सकता, इसलिए अन्य डॉग्स को इसके साथ रखना जरूरी होता है। दोस्तों, बीगल डॉग एक एक्टिव, एनर्जेटिक, छोटा लेकिन गठीले शरीर का डॉग होता है। इसकी ऊंचाई 13 से 16 इंच होती है। गुंबद के आकार का सिर बड़ा और चौड़ा होता है, और नाक भी इसकी चौड़ी मजबूत पाई जाती है। कान इसके काफ़ी लंबे, चपटे और आगे की ओर लटके हुए होते हैं। मीडियम लंबाई की पूंछ ऊपर की ओर उठी होती है, लेकिन दोस्तों यह मुड़ी हुई नहीं होती है। सकरा सिर और अधिक लंबी मुड़ी पूंछ ब्रीड का दोष माना जाता है। शरीर पर बाल छोटे होते हैं और बॉडी कोट हर मौसम के अनुकूल होकर शरीर की सुरक्षा करता रहता है। लिवर रंग के अलावा शरीर का रंग इसका अन्य भी हो सकता है। तो दोस्तों, यदि ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें और हमें कमेंट्स जरूर करें, जिससे कि हम आने वाली वीडियोस में कुछ नयापन और विशेषता के साथ आपको वीडियो ला सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।